Good morning, class 3rd. Today we are going to start math subject, okay? And today we will start your new chapter. Chapter number is 5 and topic is multiplication, okay? Aaj hum multiplication sikhenge. तो मल्टीप्लीकेशन आई होप इन प्रीवियस वीडियो यू हैव ऑलरेडी लर्न वेरी वेल. मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं. आज फिर से हम इसको मतलब एक्सप्लेन करके हम बोल रहे हैं और इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं. मल्टीप्लीकेशन हमेशा टू डिजिट से होता है. मतलब आप सिंगल डिजिट में भी कर सकते हो. जैसा मैंने फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे सिंगल डिजिट 6 और इंटू 5, ओके. ये हो गया आपका, दोनों ही हो गया सिंगल डिजिट. ये हो गया 30, ये आपको ये रिजल्ट आया. अभी कभी कभी ये सिंगल डिजिट का भी हमने डबल यूज़ करते हैं. जैसे हमने यहाँ पे डबल डिजिट किया 15 × 3, ओके. मतलब जिससे हम मल्टीपल कर रहे हैं और एक सिंगल डिजिट, तो हो गया यहाँ पे ये प्रोडक्ट, ओके. अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है. क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी, जो प्रॉपर्टीज़ है आज मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 क्या हुआ है, जब हम किसी नंबर को 0 से हम मल्टीपल करते हैं तब तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा 0 आता है. और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो हमने दो संख्या मतलब ये जो सिंगल डिजिट है 6 और 5, इन डिजिट को हम क्या कहते हैं, इन डिजिट को हम कहते हैं फैक्टर. क्या कहते हैं ना, हम इसको कहते हैं फैक्टर, ओके. और जो रिजल्ट आया इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. क्या कहते हैं ना, ये जो रिजल्ट आता है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ओके. तो फैक्टर किसको कहते हैं, जिस नंबर से मतलब जो 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, जो भी है, जो डिजिट से हम मल्टीपल कर रहे हैं उस डिजिट को हम फैक्टर कहते हैं. जैसे 6 एक फैक्टर है, 5 एक फैक्टर है. अभी इसकी जो रिजल्ट आया मतलब इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद जो रिजल्ट आया 30, तो इसको हम बोलते हैं क्या ना, प्रोडक्ट, ओके. अब प्रॉपर्टीज नंबर वन होता है, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 0, जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाइड करता है द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, हमेशा उसका प्रोडक्ट 0 आता है. जैसे मान लो मैं 7 के साथ 0 को मल्टीपल कर रही हूँ तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, ओके. तो हमने क्या बोला ना, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, ओके. तो हमेशा ये 0 ही आएगा, चाहे यहाँ पे सिंगल डिजिट हो, चाहे यहाँ पे 2 डिजिट हो, चाहे यहाँ पे 3 डिजिट हो, चाहे यहाँ पे 4 डिजिट, जितनी बड़ी डिजिट हो कोई बात नहीं, लेकिन 0 से जब उसको मल्टीपल करोगे तो उसका प्रोडक्ट 0 ही आएगा. नंबर 2 प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, नंबर 2 प्रॉपर्टीज़ है, जब हम कोई नंबर को 1 से मल्टीपल करते हैं, ओके. द व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1, जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीपल करते हैं द प्रोडक्ट ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, मतलब हमेशा वो जो नंबर आपसे मल्टीपल किए हैं वो नंबर यहाँ पे वापस आता है. जैसे मैं फॉर एग्जांपल 9 × 1, तो ये जो है ये जो नंबर से आप मल्टीपल कर रहे हो 1 से, तो 9 इज अ नंबर मल्टीपल बाय 1 से कर रहे हो तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज दिस गिवन नंबर. मतलब जो नंबर से आप जो जिस नंबर को आप 1 से मल्टीपल कर रहे हो जब प्रोडक्ट आएगा वो नंबर वापस आएगा, तो ओके. तो मैंने क्या बोला ना, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इट्सेल्फ, मतलब ये यहाँ पे चाहे 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, जो भी है, जब उसी नंबर को 1 से मल्टीपल करोगे तो वो सेम नंबर जिससे मल्टीपल कर रहे हो मैंने जिसको मल्टीपल कर रहे हो वही नंबर यहाँ पे वापस आएगा, ओके. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या बोला है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में जो हमने मल्टीपल करने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, ओके. जैसे मान लो 6 × 3, दो फैक्टर को जब हम इस फैक्टर को रीअरेंज करके, जब इसका जो मान लो ये 2 फैक्टर है 6 × 3, इनको जब मल्टीपल करते तो क्या होता है 18, ओके. अभी इन दोनों फैक्टर को मैं मतलब इसको थोड़ा सा चेंज कर, इसका जो पोजीशन है ना मैं इसका पोजीशन चेंज कर रही हूँ. देखो 3 यहाँ पे लिखा, 6 यहाँ पे लिखा, लेकिन इसका प्रोडक्ट जो है वो डज नॉट चेंज, ओके. तो इसमें क्या बोलोगे ना, व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड अ चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट. मतलब जब हम फैक्टर्स को चेंज करते हैं, व्हेन द फैक्टर्स चेंज बट डज नॉट प्रोडक्ट चेंज, ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल और एक मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे मान लो यहाँ पे मैं और एक फॉर एग्जाम्पल क्या है ना, एग्जाम्पल के बेसिस मैंने यहाँ पे 24 × 5,
इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट आता है, जैसे मान लो 5 4 20 2 कैरी, फिर 5 2 10 और 2 120। ओके, अब मैं इन फैक्टर को, मैंने इसका पोजीशन जो है इस पोजीशन को मैं चेंज कर रही हूँ 5 into 24, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट आएगा ये 120 आएगा। समझ में आ गया? मतलब आप फैक्टर्स की पोजीशन चेंज कर सकते हो लेकिन इसका प्रोडक्ट जो है ये चेंज नहीं हो सकता। ओके, तो आज हमने इसका जो मैंने बनाया, इसका जो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या बताया था। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, जब कोई नंबर्स को जीरो से मल्टीपल करोगे हमेशा प्रोडक्ट जीरो आना जीरो होगा। दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जब कोई नंबर्स को 1 से मल्टीपल करोगे हमेशा प्रोडक्ट वो नंबर वापस आएगा। तीन नंबर प्रॉपर्टीज़ क्या है, जब फैक्टर्स की पोजीशन चेंज होता है लेकिन आप फैक्टर्स की पोजीशन चेंज करके जब मल्टीपल करते हो तब प्रोडक्ट का कोई चेंज नहीं होता है। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज में, ये बुक के अंदर करना है। ये हमने जो प्रॉपर्टीज सीखी हो ना उसी के ऊपर है नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1। क्या है, मैंने अभी हमने क्या बताया था, जब कोई नंबर्स को जीरो से मल्टीपल करते तो क्या आता है प्रोडक्ट जीरो, तो यहाँ पे आएगा जीरो। ओके, नेक्स्ट क्या है, दूसरा मैंने प्रॉपर्टीज क्या बताया था, जब कोई नंबर्स को 1 से मल्टीपल करता है तो वो नंबर, ये नंबर वापस आता है, मतलब ये जो नंबर है 5 2 2 8 यहाँ पे वापस आएगा 5 2 2 8। ओके, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर में क्या है, अब देखो जब कोई नंबर को हम जीरो से मल्टीपल करता है, ये देखो जीरो से हम मल्टीपल कर रहा है, तो जीरो से जब मल्टीपल करते हैं तो क्या होता है, ये प्रोडक्ट जीरो आता है। फिर देखो ये देखो प्रोडक्ट जीरो आया, कब जीरो आता है, जब कोई नंबर्स को जीरो से मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ पे भी जीरो होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे यह कौन सा प्रॉपर्टीज़ है, कौन सा थर्ड नंबर का जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया था, जब हमने फैक्टर्स की चेंज करते हैं, जो देखो यहाँ पे 384 into 75 यहाँ पे भी 384 है, तो यहाँ पे क्या नहीं है 75, तो ये 75। ओके, तो हम यहाँ पे क्या है, देखो सेम टू सेम प्रॉपर्टीज़ है 109 into 475 यहाँ पे देखो 109 है लेकिन कौन सा नंबर नहीं है 475, तो आप ये 475 यहाँ पे लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, जब कोई नंबर को हम 1 से मल्टीपल करते हैं तो ये नंबर ही वापस आता है 7 6 8 6। ओके, देखो 9268 है और यहाँ पे जो रिजल्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट है सेम प्रोडक्ट है, ये कब आता है, जब हम 1 से मल्टीपल करते हैं यहाँ पे 1। ओके, अब देखो यहाँ पे थ्री फैक्टर्स है, एक तो ये, एक ये और एक ये, लेकिन थ्री फैक्टर्स में से एक है ज़ीरो। जब भी कोई बड़ा नंबर हो उनमें से जब ज़ीरो आ जाएगा तो इसका प्रोडक्ट भी ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। इसके साथ आप इसको करोगे मल्टीपल तो कोई नंबर तो आएगा, इसका रिजल्ट प्रोडक्ट तो आएगा, सब जब उस प्रोडक्ट के सब जीरो को मल्टीपल करोगे तब तो वहाँ पे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट में क्या है, आपको फैक्टर्स की चेंज किया है, देखो यहाँ पे 18 है 25 है 8 है। ओके, अब यहाँ पे इजुअल के साइन देके क्या दिया है, अब देखो यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। ओके, 25 और 18 लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा है 8, तो यहाँ पे सेम फैक्टर, आप फैक्टर की पोजीशन चेंज कर रहे हो लेकिन इसका प्रोडक्ट का कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम इसको इज इक्वल को दे सकते हैं। जैसे मैंने आप यहाँ पे क्या बोली थी, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोली थी 24 into 5 is equal to 120, और इसकी जब चेंज करके मैंने लिखी हो 5 into 24, उसका भी रिजल्ट ये आएगा, ये सेम प्रोडक्ट आया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना 24 into 5 is equal to 5 into 24, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ फैक्टर्स हमने चेंज किया। ओके, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है, ये हो गया आपका चैप्टर 1, इसी बुक के अंदर आप फिलअप करोगे। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा। मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, तीन प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया था, एक होता है जब कोई नंबर को हम जीरो से मल्टीपल करोगे तब तो वो रिजल्ट जीरो आएगा, जब कोई नंबर को हम
वन से मल्टीपल करते तो वो नंबर खुद वापस आता है, और जब हम फैक्टर्स की पोजीशन चेंज करते तो प्रोडक्ट का कोई चेंज नहीं होता। ओके, अब बुक्स के अंदर आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक है कुछ आपको दिया गया, देखो 7 × 9, देखो फैक्टर्स क्या क्या है, 7 और 9 दोनों फैक्टर्स हैं, और 7 × 9 क्या होता है 63, इस 63 को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपको भी इसको करना, 9 और 10 ये दोनों फैक्टर्स हैं, और 9 × 10 = 90, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। फिर 13 और 5 आपका फैक्टर है, 13 और 5, 13 × 5 = 65। ओके, नेक्स्ट देखो 1 और 5 आपका फैक्टर्स है, और आपकी प्रोडक्ट क्या होगा 5। 10 और 7 आपकी फैक्टर्स है, और 7 × 10 = 70। ओके, नेक्स्ट क्या है, 6 × 6 आपका फैक्टर है, और आपका प्रोडक्ट क्या है 36। ओके, तो ये आपको बुक में करना है, 5.1 आपको बुक में करना है, फिर ये आपकी बुक पार्ट है, ये आपको बुक में करना है नीट एंड क्लीन। ओके, थैंक यू।